सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। बल्ले पर स्टिकर का 100 करोड़ लेते हैं विराट, जाने रोहित धोनी और गेल को मिलता है कितना पैसा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्रिकेट खिलाड़ी जितना पैसा अपने खेल की बदौलत कमाता है, उससे अधिक वो विज्ञापनों के जरिए कमा सकता है। आज क्रिकेटर खेल के मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए भी कंपनी का प्रचार व उसका विज्ञापन कर रहा होता है। ज्यादातर बड़े क्रिकेटर अलग अलग नामी कंपनियों के प्रचार में जुड़े हुए होते हैं। भारतीय टीम के दिग्गज विराट कोहली भी विज्ञापनों के जरिए करोड़ों की कमाई करते हैं। अपनी बल्लेबाजी का लोहा सारी दुनिया में मनवाने वाले विराट कोहली विज्ञापन की दुनिया के भी बादशाह हैं। अगर बात करें विराट के बल्ले पर लगे MRF के स्टिकर की करें तो कंपनी ने विराट के साथ 8 साल की डील की है, जिसके तहत विराट को बल्ले पर MRF के स्टिकर के बदले 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। रोहित धोनी और क्रिस गेल को मिलते हैं इतने पैसे, विराट कोहली ही नहीं बल्कि विज्ञापनों के जरिए अन्य दूसरे बड़े क्रिकेट खिलाड़ी भी करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा के अलावा वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम शामिल है। MS धोनी अपने बल्ले पर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी स्पार्टन स्पोर्ट्स का स्टिकर लगाते हैं। इस स्टिकर के माध्यम से विज्ञापन करने के लिए धोनी को हर साल 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं रोहित को सियार के टायर का स्टिकर बल्ले पर लगाने के बदले हर साल करीब 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को भी बल्ले पर स्पार्टन स्पोर्ट्स के स्टिकर के बदले से 3 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।